अब ये एक रिमार्क है कि यंग और स्कुराज थ्योरम का कन्वर्स होल्ड नहीं करता. इट मीन्स अगर ये सभी कंडीशंस पूरी हो जाएं तो ये बराबर आ जाएंगे, लेकिन अगर ये इक्वल हों तो जरूरी नहीं है कि ये कंडीशंस फुलफिल हों. ऐसे ही यंग्स थ्योरम में भी अगर ये इक्वल हों तो जरूरी नहीं है कि जो गिवन कंडीशंस थी वो फुलफिल होंगी. इसको हम एग्जांपल से शो करेंगे. सो फॉर द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, शो दैट ये दोनों इक्वल आएंगे लेकिन स्कुराज थ्योरम की कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी. अब यही सेम एग्जांपल हमने पेज नंबर 6.8 पर फोर्थ एग्जांपल किया था, उसमें हम इतना तो शो कर चुके हैं कि ये इक्वल हैं, ठीक है. तो वो वाला प्रूफ तो वहां से डाल देंगे यहाँ पर. अब हमें दिखाना है कि स्कुराज थ्योरम की कंडीशंस फुलफिल नहीं होती. इट मीन्स अब हम ये प्रूफ करके दिखा देंगे कि जो एफ वाई एक्स फंक्शन है वो जो भी पॉइंट है हमारा ए बी, ए बी मतलब 0, 0, उस पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है. टू शो दैट कि ये फंक्शंस ओरिजिन पर कॉन्टिन्यूस नहीं है. अब ये हम उस एग्जांपल में दिखा चुके थे कि एफ वाई एक्स और एफ एक्स वाई दोनों इसके बराबर आते हैं. अब हम इस पर लिमिट लगाते हैं, एक्स टेंड्स टू जीरो, वाई टेंड्स टू जीरो, और वाई को हमने पुट कर दिया एम एक्स. वाई को एम एक्स पुट किया, ऊपर से एक्स स्क्वायर और नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल हो गया, ये बच गया. और इसमें जैसे जैसे हम m चेंज करेंगे लिमिट चेंज होती जाएगी. इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि लिमिट अगर एग्जिस्ट करती तो वो हमेशा यूनिक आती, लेकिन यहाँ पर आंसर यूनिक नहीं है. सो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कॉन्टिन्यूटी तो हो ही नहीं सकती. सो एफ एक्स वाई इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट ओरिजन, और ये तो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब एफ वाई एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट ओरिजन. इट मीन्स ये दोनों बराबर हैं लेकिन स्कुराज थ्योरम की कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही. ऐसे ही सेम ये अगला एग्जांपल है जिसमें हम शो करेंगे कि एफ एक्स वाई एट ओरिजन एंड एफ वाई एक्स एट ओरिजन इक्वल हैं, लेकिन ना तो इस थ्योरम की कंडीशंस फुलफिल हो रही ना ही इस थ्योरम की कंडीशंस फुलफिल हो रही. तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एफ एक्स की वैल्यू ओरिजन पर. ये फॉर्मूला लगाया, यहां से एफ एच जीरो निकाल लो, जीरो आएगा. और एफ ऑफ जीरो, जीरो तो हमें क्वेश्चन में ही जीरो दे रखा है, जीरो बाई समथिंग जीरो, जीरो की लिमिट आ गई जीरो. ऐसे ही हमने एफ वाई निकाला ओरिजन पे, वो भी कितना आया जीरो. फिर हमने फंक्शन लिखा, फिर हमने इसको एक्स के साथ पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया जब पॉइंट जीरो नहीं है तो, ठीक है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया. ऐसे ही एफ वाई निकाला. अब हमें निकालना है एफ वाई एक्स. ओरिजन पर जब भी निकालना होता है तो ज्यादातर हम लिमिट के तरीके से ही निकालते हैं, ठीक है. अब हमें एफ एक्स की वैल्यू भी पता थी, उसकी वैल्यू निकाल लो जीरो कोमा के पर, जीरो आ गई. एफ एक्स ओरिजन पे हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो भी जीरो था, जीरो बाई समथिंग जीरो, जीरो की लिमिट जीरो. इसी तरह से हमने ये निकाल लिया. फिर हमने एफ वाई एक्स निकाला, ठीक है, ये आया. ये सब तो सिंपल कैलकुलेशन है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है आपको एफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई. ये क्या होता है, करली टू एफ वाई, करली टू एफ बाई, करली वाई करली एक्स. इट मीन्स करली बाई करली वाई ऑफ करली एफ बाई करली एक्स. इसका मतलब एफ एक्स को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इतना आ जाएगा. इसमें हमने वाई की जगह एम एक्स पुट किया, ये कटकटा के इतना आ गया. इस पर जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये इतना आंसर आएगा, जो कि हर बदलते एम के साथ बदल जाएगा. इसका मतलब एफ वाई एक्स की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, सो कॉन्टिन्यूटी तो हो ही नहीं सकती. सो एफ वाई एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट ओरिजन. इसका मतलब यंग थ्योरम की कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही जबकि ये दोनों इक्वल आएंगे, एफ वाई एक्स और एफ एक्स वाई. एफ वाई एक्स हमारा ये आया है और एफ एक्स वाई भी हम आगे निकाल के दिखा देंगे, वो भी हमारा यही आएगा, ठीक है. और वैसे भी ये हमें ओरिजन पे दिखाना है, एफ वाई एक्स भी ओरिजन पर और एफ एक्स वाई भी ओरिजन पर. एफ वाई एक्स ओरिजन पर जीरो है, एफ एक्स वाई भी ओरिजन पे जीरो है, सो ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन एफ वाई एक्स ओरिजन पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, सो इस थ्योरम की कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही. अब हम दिखाएंगे कि यंग थ्योरम की कंडीशंस भी फुलफिल नहीं हो रही. यंग थ्योरम में एफ एक्स ओरिजन पर डिफ्रेंशिएबल होना चाहिए था, लेकिन यहां हम दिखाएंगे कि एफ एक्स ओरिजन पर डिफ्रेंशिएबल नहीं है. हम मान लेते हैं इसका उल्टा कि सपोज एफ एक्स ओरिजन पर डिफ्रेंशिएबल है, डिफ्रेंशिएबल होने की हमने डेफिनेशन लगा दी, ठीक है. एफ इज डिफ्रेंशिएबल एट ए बी, उसकी डेफिनेशन होती थी एफ ऑफ ए प्लस एच
बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एच एफ एक्स ए बी प्लस के एफ वाई ए बी प्लस एच इंटू फाई प्लस के इंटू साई। ये एफ ए बी पर डिफ्रेंशिएबल हो तो ये डेफिनेशन है हमारा। एफ की जगह क्या है, एफ एक्स, तो सारे में एफ की जगह एफ एक्स आ जाएगा और ए बी की जगह जीरो जीरो आ जाएगा, तो ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, वेयर फाई और साई अप्रोच करते थे जीरो को, जब एच और के अप्रोच करते थे जीरो को। फिर हम एफ एक्स की वैल्यू एच के पर पुट कर देंगे, ये यहां से एफ एक्स की वैल्यू एच के पर पुट कर दी। एफ एक्स की वैल्यू ओरिजिन पे जीरो आई थी, इसकी वैल्यू भी जीरो आई थी, इसकी वैल्यू भी जीरो आई थी, ये और ये बच गई और यहां से ये बच गया। फिर हमने, क्योंकि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ रहा है, तो एच की जगह आर कोस थीटा और के की जगह आर साइन थीटा पुट कर दिया, लेफ्ट में भी राइट में भी। फिर हमने एच और के की लिमिट्स लगा दी जीरो जीरो, तो फाई भी जीरो को जाएगा, साई भी जीरो को जाएगा, राइट हैंड साइड तो पूरी क्या हो गई, जीरो को जा रही है। इस हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट भी हमेशा क्या आनी चाहिए, जीरो। लेकिन अगर हम लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये आंसर हमारा जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, सो विच इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। सो कॉन्ट्राडिक्शन आई, क्यों आई, क्योंकि हमने माना था कि एफ एक्स ओरिजिन पर डिफ्रेंशिएबल है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब एफ एक्स ओरिजिन पर डिफ्रेंशिएबल नहीं है। ठीक है, इट मीन्स यंग थ्योरम की कंडीशन यहां पर फुलफिल नहीं हो रही। ठीक, सो ये दोनों अगर इक्वल हो तो जरूरी नहीं है कि यंग थ्योरम या स्कुराज थ्योरम की कंडीशंस फुलफिल होंगी, इसका मतलब उन दोनों थ्योरम्स का कन्वर्स होल्ड नहीं करता।